नमस्कार, आप देख रहे हैं अस्पताल टीवी। मैं अनिशा जुनेजा आपके साथ। आज हमारे साथ संस्था सेवा मिशन की फाउंडर हैं मिसेस प्रिया जैन। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जो सेवा मिशन है इसकी शुरुआत कब की? सेवा मिशन की शुरुआत एक्चुअली हमने सेवा मिशन की तरह से नहीं की थी, ये अपने आप से हो गई। अराउंड हमें 8 महीने हो गए हैं इस चीज में आए हुए, लेकिन हमने नहीं सोचा था क्योंकि कभी ये एनजीओ बनेगा। हमने एक जस्ट मैं और मेरी फ्रेंड पूनम भंडारी हैं, हम लोगों ने पीजीआई में जाना शुरू किया था। उससे पहले हमने सबसे पहले हमने 16 सेक्टर के हॉस्पिटल में जाना शुरू किया था। वहाँ से हम लोगों को 1 महीना बड़े अच्छे से गए, बट वहाँ के जो मेन डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमें मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे अपने स्टूडेंट्स बहुत होते हैं जो सेवा करते हैं, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। बड़े वो कहते हैं ना मायूस होके आपके वहाँ से चले, तो हमने बड़े मायूस हो गए कि 1 महीना हमने सेवा भी किया, बड़ा अच्छा सा हमें लगने लग गया था कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, बट फिर वहाँ से हम निकल गए। हमने कहा कि अब क्या किया जाए, तो बाई चांस की बात है कि एक हमें पेशेंट मिला जो किडनी का पेशेंट था, तो उसकी हमने हेल्प करनी स्टार्ट करी वहाँ से। तो हमें पता चला वो रहता कहाँ है, तो पहले हमने उसकी रहने वाली जगह देखी, सराय है पीजीआई की, लाइफलाइन सराय, उसने हमें जाना शुरू किया। और वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स देखे, ऐसे हालात देखे जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी दुनिया भी है, एक अलग सी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरीज हैं, मरीज के रिश्तेदार हैं, सिर्फ और सिर्फ टेंशनें हैं, सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट है, और सिर्फ मायूसी है। तो हमने कहा हम कितनों की हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेडिटेशंस करवा सकती हूँ, लोगों को मेडिटेशन करवा लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक जरिया ढूंढा मेडिटेशन करवाने का, जिससे पेशेंट्स ही हम हेल्प कर सकते हैं। मेरे को नहीं था कि हमारे पास इतने कोई पैसे नहीं थे, इतने कोई बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत पैसे थे जो एक पेशेंट के लिए हम उसको दे रहे थे। तो उसके बाद मैंने पेशेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, फैमिलीज़ को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। तो उनको मैं वीक में 3 या 4 क्लासेस मेडिटेशंस की देती थी। तो मेडिटेशंस उनको करवा के उनको बहुत अच्छा लगने लग गया, उनको वो वेट करने लग गए कि कब हम लोग आएँ उनको मेडिटेशन करवाएं और उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो, और बहुत स्ट्रेस रिलीफ हो जाते थे, वेट करते थे। उस तरह से हमारे साथ कुछ लोग जुड़ने लग गए धीरे धीरे। लोगों को पता चलने लग गया कि हम लोग ऐसे पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। तो उन लोगों ने धीरे धीरे डोनेशंस देनी शुरू की। जैसे जैसे डोनेशंस बढ़ती गई, ऐसे ऐसे हम पेशेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करते गए। फिर उससे नेक्स्ट 2 और भी वहाँ पे सराय हैं पीछे की, जो जिसकी हेल्प हम लोग वहाँ के पेशेंट्स की हम हेल्प करने लगे। वहाँ पे एक सराय ऐसी है जिसमें सिर्फ बच्चे पेशेंट्स हैं, और बच्चे ऐसे कि किसी को कैंसर है, किसी को किडनी ख़राब है, किसी की हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट में छेद है, कोई मतलब वेरी वेरी क्रॉनिक डिजीज़, और बहुत क्रिटिकल कंडीशंस थी उनकी। तो हम लोगों ने उनकी एक एक करके पेशेंट्स लेते गए और उनकी हेल्प करनी स्टार्ट की। तो उसके बाद से हम लोगों के साथ लोग जुड़ते गए और हम पीजे के अंदर जाने लग गए, पीजे के अंदर डॉक्टर्स से मिलने लग गए। तो डॉक्टर्स हमें उसके बाद पहचानने लग गए कि सेवा मिशन कुछ है जो कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स की हेल्प करता है। हमने फिर धीरे धीरे कुछ बड़े केसेस लेने स्टार्ट किए, लाइक कैंसर पेशेंट्स। सबसे पहले हमने एक ब्रेन ट्यूमर केस लिया जिसका खर्चा काफ़ी बड़ा था, बट जैसे कि कहते हैं ना कि मेरे गुरु ने मेरे को इस काम में, अगर मैं सोचूं कि मुझे भेजा है तो इस काम को करने की क्षमता भी उसी ने दी है। अपने आप से जैसे जैसे पेशेंट आता गया, ऐसे ऐसे डोनर्स बढ़ते गए। उसी तरीके से अगर कहें कि उसका पहला खर्चा इतना बड़ा था, हमने कर लिया, हमें विश्वास नहीं होता कि हमने कैसे किया। जब हमने ब्रेन ट्यूमर वाला केस किया तो साथ ही थ्रोट ट्यूमर वाला केस आ गया, थ्रोट ट्यूमर का केस किया तो साथ ही साथ आई कैंसर का केस आ गया। आपके मतलब संस्था ने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, कोई ऐसा केस जो आप मतलब जिसने आपको बहुत ज्यादा जिसे दुख भी हुआ हो और आपको खुशी भी हुई हो कि वो बंदा रिकवर हो गया, ऐसा कोई केस आपकी लाइफ में? मुझे याद आता है एक केस, जब हमारे पास उस टाइम थ्रोट ट्यूमर का केस चल रहा था, 3 दिनों बाद ऑपरेशन था, हमारे पास उसके फंड्स पूरे हो चुके थे और हमारे पास उसके बाद 1 रुपया भी नहीं था।
हम सीधा एक बार ऐसी सराय में गए, रात को ऐसे एक चक्कर काट रहे थे, पेशेंट्स की हालात पता कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो एकदम से मुझे पता चला कि कोई पेरेंट्स रो रहे हैं। तो मैंने पता किया क्यों रो रहे हो आप। वो कहते हैं कि हम लोग, मेरी उनकी एक छोटी सी बेटी थी 7 ईयर्स की, उसकी आईज में कैंसर था। उसमें क्या था कि एक आई जो थी, एक आंख जो थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, वो ब्लाइंड हो चुकी थी कैंसर की वजह से। उसका समय से इलाज नहीं हो पाया था, उसकी आंख को निकालना पड़ा था, तो वो ख़त्म हो गई थी, उसको निकाल दिया था डॉक्टर्स ने। अब सेकंड आई में भी कैंसर आ गया था और उन डॉक्टर्स ने नेक्स्ट डे, वो 4 दिन से वहीं पे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये थे, और अगले दिन उसका आंख का ऑपरेशन था एंड दे वर गोइंग बैक। अगले दिन वो कह रहे थे हम सुबह वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ। उन दिनों में अष्टमी वाले दिन थे, कंजकों वाले दिन थे, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, हमने उसको कहा रुक जा भाई, जाना नहीं है, हम लोग ये तेरे आईज का कैंसर का केस करवाएंगे। उसने बोला कि अराउंड 1.5 से 2 लाख खर्चा है। हमने कहा कोई चक्कर नहीं, तो रुक जा बस, हमने करवाना है जैसे भी मर्जी। मैं और मेरी फ्रेंड वापस आ गए, हम पूरी रात सोए नहीं, हमें नहीं समझ आया कि हमने कह तो दिया उसको करवाना है बट कैसे करवाएंगे। हमने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया, हमने कहा कि डॉक्टर साहब इसका केस 1 हफ्ता रुक सकता है किसी तरीके से, तो डॉक्टर ने कहा हाँ रुक सकता है। मैंने उसी दिन उस पेशेंट की फ़ोटो एंड वीडियो बनाई एंड पोस्ट की अपने ग्रुप्स में, FB पेजेस पे, और आप मानोगे नहीं, ऐसा मतलब अचंभा लगता है आज भी सोच के कि सुबह केस मैंने पोस्ट किया और रात तक मेरे पास पूरा पैसा अरेंज हो गया। वो केस हम लोग हैरान हो गए। रात को ही मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि डॉक्टर प्लीज़ अभी 1 वीक आप प्लीज़ इसको डिले मत कीजिए, इसको आपने जो डे आपने रखा हुआ है 1 दिन बाद आपने वही डे पे आपने ये केस करना है। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि 1 दिन में आपके पास अरेंज हो गया, बट मुझे नहीं पता कैसे वो माता रानी की कृपा हुई कि क्या हुआ कि कंजकों की वो वाले डेज चल रहे थे लोगों के में ये भावना आ गई। तो मतलब सेम डे पे हमारे 2 केसेस उस दिन हो रहे थे, एक आई कैंसर का और एक थ्रोट ट्यूमर का। और मैम जैसे कि डॉक्टर भी इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, लाइक लोगों को पता कैसे चलता है कि सेवा मिशन के बारे में, कि सेवा मिशन हेल्प करता है, जैसे PGI में आते हैं, पेशेंट्स आते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे कि पेशेंट ढूंढने जाते थे, तो कोई पेशेंट दिखा कि बहुत नीडी है, क्या है, तो उसकी हेल्प करते थे। अब लोगों को इतना पता चल चुका है क्योंकि हम पर्सनली जाके डॉक्टर्स डे पे भी और अदरवाइज भी हम पर्सनली जाते हैं PGI में और डॉक्टर्स को अपने कार्ड्स देके आते हैं कि कोई भी इमरजेंसी पेशेंट है वो दवा की वजह से या पैसे की वजह से उसको कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसी टाइम हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, हम मतलब 24/7 प्रेजेंट है आपके लिए, जिस टाइम कॉल करोगे आप हम उसी टाइम आ जाएंगे। हमारा एक बच्चा है, हमारा एक साथ में टीम मेंबर है जो कि रात को 10 बजे जाता है और 2 या 3 बजे तक वहीं रहता है, तो कोई इमरजेंसी पेशेंट हो, कुछ भी हो, तो हम उसकी हेल्प करते हैं जैसे मर्जी हो। बट अभी इतना ज़्यादा डॉक्टर्स को पता चल चुका है सेवा मिशन के बारे में कि वो इतने केसेस हमें दे रहे हैं, हम लेकिन कई बार अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं जब हमारे पास डोनेशन ख़त्म हो जाती है। तो मैं आज के टाइम पे बस यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स हमारे साथ जुड़ें, अगर हमारे ऊपर विश्वास है हमारी वीडियोस को शेयर करें, और जितना आप डोनेट अपनी 10 बंदी में से जो निकाल के दे सकते हैं गुरु की कृपा से, और उतना देने की कोशिश करें, और बस यही बोलना चाहूँगी आज के टाइम पे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।